मेरे अलावा है और मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और पिछले 4 साल से इस करियर से जुड़ा हुआ हूँ और स्टार्टिंग से ही फर्स्ट क्लास से ही मैंने स्टेज पर चढ़ना शुरू कर दिया था और आज मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो जब मैं आगे बढ़ता गया क्लास में तो मैंने बहुत स्किट बनाए, खुद मैंने स्किट राइट किए और आज मैंने किए और उसके बाद कॉलेज में मैं यूथ फेस्टिवल विनर रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जहाँ तुमको जाना है ना, ये वही मंजिल है और तुम बस पीछा हो रहे हो। तो फिर मैंने इंटरनेट पर चेक किया कि कोई एक्टिंग स्कूल होता मैं ट्रेन कर सकूँ अपने आप को। तो मैंने बहुत सारे देखे लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये मेरे लिए बिल्कुल सही जगह है। उसके बाद मैं 2015 में मैं ज्वाइन हुआ पदार्पण में और एक साल मैंने यहाँ सीखा और उसके बाद मैं 25/11/2016 को मैं मुंबई पहुँच गया और उसके बाद मैंने 2 प्रोजेक्ट किए हैं। अभी मेरी मूवी आने वाली है दिवाली पे, सांड की आंख तापसी पन्नू जी के साथ, और एक और मैंने मूवी की है अभी जस्ट यशराज फिल्म्स की शमशेरा। और मैं एक थिएटर प्ले से जुड़ा हुआ हूँ 1.5 साल से जिसका नाम मुगले आजम, जिसके डायरेक्टर है फिरोज अब्बास खान। लेकिन बाद में मैं 5-6 में गया, पहले मैं एसडी गया लेकिन वहाँ चला कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट तो मैं था लेकिन 6 आप प्ले कर चुके होने चाहिए तब आप शामिल कर सकते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये मैंने नहीं किया था, मैंने स्किट किए थे अपने वहाँ पे स्कूल में कॉलेज में, मैं यूथ फेस्टिवल विनर रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने बहुत सारे प्रोडक्शन देखे, मैंने इंस्टीट्यूट देखे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जहाँ तुम जाना चाहते हो, जो तुम्हारे लिए सही जगह है वो ये है। ज्वाइन मैंने देखी ना 5-6 प्रोडक्शन हाउस, लेकिन मुझे वो लगा नहीं जो जो मैं चाहता था, वो बात बनी ही नहीं। फिर मैंने यहाँ पहले डेमो ली 2 दिन, तो मैं श्योर था वहाँ पे कि अब कुछ नहीं होना, बस यही है सब कुछ। बिल्कुल खरा उतरा, 100% भी नहीं कहता हम, ज़्यादा खरा उतरा और जो मैं चाहता था वही था। अच्छे अच्छे फैकल्टी मिले मुझे, भूपेंद्र सर है ना, प्रभात सर, और सबसे अच्छे हमारे पदार्पण ऑनर दीपक भारद्वाज, मुझे बहुत मजा आया। और आज मैं 3 साल से छोड़ चुका हूँ इसको, मतलब मैं एक्टिंग मुंबई कर रहा हूँ, तो आज भी मैं आता हूँ तो आज भी मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं वही युद्धवीर हूँ जो 3 साल पहले यहाँ आता था स्टडी करता था। मैं अगर इंस्टीट्यूट को रेट करूँगा तो वो एक सीमा बन जाएगी कि इतनी ही सीमा है, ये मैं नहीं बोल सकता। मैं सीमा असीमित रखना चाहता हूँ बस, और आज भी मैं सीख रहा हूँ और भी आता रहता हूँ और सीखता रहता हूँ, जारी है।